क्वेश्चन नंबर 81। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सेक्टर ऑफ 40% इज रिमूव्ड इफ द रिमेनिंग पार्ट। अब देखो 40% को रिमूव किया है तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 60%। नाउ हमें करना क्या होगा, स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी जो कोण बनेगा 10। नाउ दिस इज 10। अब अगर ये रेडियस r है तो 2πr इज इक्वल 60% ऑफ 2π इंटू 10, ये तो होगा। r कितना हो गया 6। अगर r 6 हो गया तो दिस वुड बी 8। देन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, रेडियस एंड हाइट 6/8, 3:4, सी ऑप्शन। मतलब आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि स्लांट हाइट क्या बनती है, फिर ट्रिपलेट लगे इस क्वेश्चन में। इफ अ कोन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट बाई ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट एक्सिस, देन द रेशियो वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट। बहुत आसान सी बात है, देखो ऐसा क्वेश्चन बोला गया है, इसको आपने मिड पॉइंट से कट किया है तो हाइट का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट, क्या बताया था मैंने, ऊपर वाले का वॉल्यूम में एच हाइट है, दूसरे वाले में 2h हाइट है, तो 1:8, ये वॉल्यूम का पार्ट हुआ टोटल और छोटे वाले का, तो इसका इसका पार्ट हो जाएगा 1:7। अ सिलेंड्रिकल पेंसिल ऑफ डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर हैज वन ऑफ इट्स एंड शार्पन इनटू अ कोनिकल शेप ऑफ हाइट 1.4, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, आपकी पेंसिल यहां तक थी लंबी, आपने केवल इतना किया कि ये हिस्से को आपने शार्प करके कोन बना दिया इस तरह से, तो आप केवल इतने पोर्शन को कंसीडर करोगे और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर में से हमने कोन हटा दिया है तो हमें रिमूव पार्ट, मतलब ये पूछा हुआ है, तो इसका बोला है द सिलेंड्रिकल पेंसिल ऑफ डायमीटर 1.2, रेडियस कितनी हो गई 0.6, हाइट 1.4 सेंटीमीटर, तो अगर हाइट 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस 0.6 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमूव पार्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई 0.6 स्क्वायर इंटू 1.4 माइनस 1/3 पाई 0.6 स्क्वायर इंटू 1.4, ये बचेगा फाइनली 2/3 ऑफ पाई 0.6 या 36 कर दो डायरेक्ट इसको इंटू 1.4, यू गेट 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.36 इंटू 1.4, 0.2, और ये कितना हो जाएगा। अब समझने की बात क्या है, इस क्वेश्चन के आखिरी में कितने, इसके आखिरी में आएगा क्या 6 आएगा, भाई 2 चार बार है ना, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, और दूसरी बात 11 का मल्टीपल होगा, तो ये 11 का मल्टीपल है, ये है क्या, ये भी 11 का मल्टीपल, अच्छा ये नहीं हो सकता, केवल और केवल ये होगा क्योंकि दो ही डेसिमल, नहीं सॉरी ये होगा, ए ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, तीन डेसिमल आने, तो केवल हमारा आंसर क्या होगा ए। द लेटर सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 16π एंड द डायमीटर ऑफ अपर सर्फेस 4 एंड, बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्रस्टम का आपको पूछा हुआ है लेटरल सर्फेस एरिया, तो लेटरल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, अच्छा पाई की टर्म्स में आंसर है, पाई तो भूल जाओ आप लोग, अब ये एरिया कितना है 16π, तो रेडियस होगी 4 और ऊपर की डायमीटर 4 है तो रेडियस होगी 2, स्लांट हाइट कितनी है 6, तो क्या आंसर हो गया 2+4 × 6, 36π, सी ऑप्शन। भाई यहां पे फॉर्मूला भी यूज हो गया है ना, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अच्छा अब आता है स्फेयर के क्वेश्चन, अ हेमिस्फेरिकल कप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फिल्ड टू द ब्रिम विद कॉफी, द कॉफी इज देन पोर्ड इनटू वर्टिकल कोन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर हाइट 16, हाउ मच परसेंटेज वॉल्यूम द कोन रिमेन्स एम्प्टी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास एक स्फेयर है और एक कोन है, नाउ इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 8 और हाइट है। अब आपको समझना ये होगा, जब हम इसमें कॉफी डालेंगे तो माना कॉफी यहां तक आ जाती है, तो ये रेडियस और ये हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, समझे बात, ये वॉल्यूम की इक्वेट करना पड़ेगा और ये सिमिलरिटी से लॉजिक होगा, एक और शॉर्टकट होगा इसका बाद में। तो देखो यहां पर वॉल्यूम कितना है इस कॉफी का 2/3
पाई 64 या 128 पाई बाई 3, राइट। अच्छा हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया कि जो बचा हुआ भाग है वो कितना होगा, जो बचा हुआ भाग है तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन वो है क्या, एक्चुअली एक फ्रस्टम ही तो है ना। अब हमको किसी तरह से भी ये रेडियस का रेशियो निकालना पड़ेगा, अगर हमें या तो रेडियस का रेशियो निकल जाए या हाइट का रेशियो निकल जाए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझना, हमें रिक्वायर्ड क्या है, परसेंटेज रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 100, ये तो करना है, बोलो हमको ये करना। बस यहां पे कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जितना जल्दी आप ये वैल्यू पुट कर पाओगे आपका क्वेश्चन आसान होगा। तो अगली स्टेप क्या होगा हमारा, मान लो जो ये फिगर बनी है इसका जो भरा हुआ भाग है उसकी रेडियस आर है, हाइट एच है, ठीक है। तो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होगा, यहां से पाई कैंसिल, अच्छा पाई कैंसिल हो गया, एक थ्री कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मली हो गया, इसको जरूरत नहीं कुछ में, वॉल्यूम ऑफ कोन वन बाई थ्री पाई एट स्क्वायर इंटू 16 समझाई बात, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई 64 अपॉन 1/3 पाई एट स्क्वायर इंटू 16। डायरेक्ट क्वेश्चन हमें ये करना, हमें कोई जरूरत नहीं, रेशियो से मतलब नहीं था हमें कुछ, क्यों हमें तो सीधे रेशियो निकालना था, परसेंटेज निकालना है। देखो 1/3 पाई कैंसिल होगा सबका। अब एक और स्टेप कर रहा हूं, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 8, तुम्हारा हो गया 7/8 इंटू 100 या 700। अच्छा 7/8 परसेंटेज में कितना होता है, 87.5, फ्रैक्शन पता आप लोगों को। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस लॉजिकल समझना था आपको। If we denote the volume of a right circular cylinder of same height as its diameter and B is the volume of a sphere of same radius, then A by B. A denotes the volume of a right circular cylinder of same height as its diameter. तो इसका वॉल्यूम A कितना होगा, पाई R स्क्वायर इंटू 2R, ये समझ में आया, हाइट भी डायमीटर के बराबर है और B की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेम रेडियस, जो रेडियस पहले का है, तो 4/3 पाई R क्यूब, पाई R क्यूब कट जाएगा तो बचेगा 3/2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज कवर्ड विद गोल्ड, इफ द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड लेड आर इक्वल देन द थिकनेस ऑफ द, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट थिकनेस पूछी हुई है, मान लिया कुछ ऐसा है, ये डायमीटर 4 है, रेडियस 2 हो गई, मान लो कि थिकनेस एक्स है, हमें एक्स निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या होगा, 4/3 पाई 2 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यही तो होगा, इज इक्वल, अच्छा हां दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई 2 क्यूब, ये तो बोला हुआ है, तो मैं इसको 4/3 पाई काट देता हूं, 2 प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल 16, ये तो हुआ, मतलब तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 16, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगी, क्यूब रूट ऑफ 16 माइनस 2। अच्छा अब ये बताओ, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है सॉरी 27, हाँ हाँ, तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया फिर तो कुछ बचा ही नहीं, x बराबर 2 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो बता आसान हो गया, 1.259 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 815.2, 0.548, 0.518। अच्छा सेंटीमीटर में आया, हमें एमएम में आंसर दिया है, डी ऑप्शन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो वैसे मैं कैलकुलेट कर सकता था, मैं कैसे करता, ध्यान समझना, अप्रोक्सीमेशन हम बिना इसकी वैल्यू कर सकते हैं। आपको एक चीज सिखाता हूं मैं, बहुत मजेदार चीज है, ये बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अरे वाह तुम लोग जानते हो, 11 का स्क्वायर क्या होता है 12 का स्क्वायर, अरे आवाज नहीं आ रही है क्या,
13 का स्क्वायर। अब तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं स्क्वायर में, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये जो 21 है ना पिछले वाले नंबर के डबल का ही ज्यादा है। अब ये रूल होता है 23 पिछले नंबर का ही ज्यादा, 25 पिछले नंबर का दो ज्यादा डबल का, 12 दूनी 24, ये सारे स्क्वायर में लगता है, ये सभी स्क्वायर में लगता है। इसका मतलब अगर हमारे पास देखो 10 का स्क्वायर है 100, 11 का स्क्वायर है 121, इसके बीच में टोटल संख्या 21, समझना जरा बात को। अगर मुझसे बोला जाए 105 का अंडर रूट पूछा जाए तो अभी सोचोगे 10 का 100 का अंडर रूट तो होता है 10 और 121 का अंडर रूट होता है 11। अरे वीडियो है तो यार, 105 देखो 21 अंतर पर एक बढ़ गया, कुछ समझे बात मैं क्या बोल रहा हूं, 21 अंतर पर 10 से 11 हो गया तो 5 अंतर पर कितना होगा, इसको ऐसे कह सकते हो आप, ये होगा 10 दशमलव समथिंग और 10 का स्क्वायर यानी 100, 5 का डिफरेंस और यहां डबल कर दो बस 20, 10.25 होगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन होता है। अब जो मैंने बोला रूट 16 निकालना है आपको, जैसे मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है कितना 27, ये इनके बीच में है 16, कितना डिफरेंस है वो छोड़ दो, 19 का डिफरेंस बात मत करो, 8 और 27 का एग्जैक्टली मिडिल कितना होगा 16.5, ये 16 है मतलब ये अप्रोक्सीमेट 1.5 होगा, सॉरी 2.5, 2 के क्यूब से आ गया ना, और हमने क्या निकाला था यहां पर 2.518, बहुत पास आ गया ना, हमने जो अप्रोक्सीमेट किया 2.5 आ गया और यहां पे 2.518 आ रहा है, तो लॉजिकल है ऐसे भी आप कर सकते हो, समझे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट ईच ऑफ डायमीटर 5 डेसीमीटर दैट कैन बी मेड बाय यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेड 11 मीटर लेंथ 10 मीटर ब्रेथ 5 मीटर हाइट। अब एक बात समझना आपको, यहां पर बोला है अधिक से मेल्ट नहीं करना है, बड़ा डिफरेंस है। अच्छा मेल्ट करना है, मेल्ट करना है तो नंबर ऑफ बुलेट जिसमें से मेल्ट करना है उसका वॉल्यूम है 11 इंटू 10 इंटू 5 और जो बनाना है वो है डायमीटर 5, तो पाई इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 और 4/3, ये तो करना है। अब यहां पर हमको अप्रोक्स, हाँ अच्छा, तो फिर हम इसको ऐसा कर लेते हैं 0.25 को लेते हैं, बल्कि तीनों डेसिमल हटाओ और तीन डेसिमल ये और तीन डेसिमल डेसीमीटर वाले, तो 10^6 हो जाएगा ऊपर, भाई ऐसे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। अब ये 4/3 ऊपर कर लेते हैं शिफ्ट, मतलब यहां पर देखो 2013 का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25। अब एक और चीज कर रहा हूं ध्यान समझना, 100/25 कितना होता है 4, तो ये 10^6 है, 100 तीन बार है, ये कट जाएगा पूरा बचेगा कितना 64 और 4 से काट दो कितना बचेगा 16, तो हमारे पास जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 16 अपॉन पाई। अब आपको बात बोलिए पाई मोर देन 3 है, तो दिस वैल्यू ध्यान समझना, दिस इंटायर वैल्यू इज लेस देन 11 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 16। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो 3/π क्योंकि पाई जो है वो 3 से बड़ा है, इसका मतलब 3/π 1 से छोटा होगा, इसका मतलब पूरी वैल्यू से छोटी होगी, हमें ये तो पूछा है लेस देन और इक्वल टू जैसे बोला हुआ है, तो इक्वल टू तो नहीं हो सकता आंसर है ना, लेस देन अब ग्रेटर देन, अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट में 11, अच्छा देखो ये आने ही आने 11, आंसर इज बी। अरे को समझ जुगाड़ कैसे बनाया भाई, लेस देन होगा होगा नीचे, पाई है 3.14 एग्जैक्टली थोड़ी होती है इसकी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड स्फीयर आर इक्वल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² इज इक्वल 4πr² ये कैंसिल हो गया, बल्कि कैंसिल मत करो, a/r इज इक्वल 4π/6, तो a/r कितना हो जाएगा 2√π/6, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन,
क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब अपॉन 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, तो इसको करो 3 बाई 4 पाई ए बाई आर का होल क्यूब, वैल्यू पुट करो 3 बाई 4 पाई, अच्छा ए बाई आर की वैल्यू है 2, ये हो गया 4 पाई बाई 6 इंटू 2 रूट पाई बाई 6, समझ में क्या कर रहा हूं, मैंने क्यूब करना है तो ए इसका स्क्वायर तो लिख दिया एक बार और इसका वैल्यू एक बार लिख दी, ठीक है ना, 4 पाई कैंसिल हुआ 6 कैंसिल, आंसर क्या हो गया पाई बाई 6 रूट में, बी ऑप्शन। द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज 880, बोले प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियस, ओके देखो द सम ऑफ रेडियस r1 प्लस r2 प्लस इज इक्वल 10 एंड वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब इज इक्वल 880, ये हो गया r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब बराबर 880 इंटू 3 बाई 4 इंटू 22 बाई 7 210। अब देखो ये क्वेश्चन एलजेब्रा का बन गया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, r1 प्लस r2 का क्यूब माइनस 3 r1 r2 r1 प्लस r2 इज इक्वल 210, हमको पूछा ये गया ये दोनों दे रखे 1000 माइनस 3 30 r1 r2 इज इक्वल 210, तो 30 r1 r2 कितना हो जाएगा 790, r1 r2 कितना हो गया 79 बाई 3, ये हो गया 26 बी ऑप्शन, ठीक है ना। देयर इज ए वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस 6 रूट 3 द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब कट आउट फ्रॉम द स्फीयर, अच्छा अब आप एक चीज समझ लो, जरा अगर हम सर्किल की बात करते हैं क्योंकि स्फीयर का डायग्राम के लिए आप सर्किल समझ लो आसान हो जाएगा, आपको पता हो जाए सर्किल डायमीटर इज इक्वल स्फीयर डायमीटर, लेकिन जब हम बात करते हैं क्यूब तो क्यूब का डायगनल स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा, ये याद रखना आप, ठीक है। अब आपको बोला देर इज ए वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस 6 रूट 3, सो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितने हो गए इज इक्वल 12 रूट 3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू डायगनल ऑफ स्क्वायर सॉरी क्यूब, है ना, और क्यूब का डायगनल क्या होता है 3 ए रूट 3, तो क्यूब की साइड कितनी हो गई 12, समझे बात, ये पूछा क्या गया है, अच्छा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल 6 ए स्क्वायर, 6 इंटू 12 स्क्वायर, 6 इंटू 144 सी ऑप्शन, ठीक है ना। अ सॉलिड स्फीयर एंड ए सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, अ सॉलिड स्फीयर तो सॉलिड स्फीयर की रेडियस मान लो कैपिटल आर और सॉलिड हेमिस्फीयर की स्मॉल आर मान लो, सरफेस एरिया इक्वल है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये बात समझ में आई आप लोगों को, 4 आर स्क्वायर इज इक्वल 3 स्मॉल आर स्क्वायर, अरे बेटा आप लोग रीलॉगिन करो, बाकी सबको आवाज सही है, कुछ लोगों को आवाज खराब आ रही है, रीलॉगिन करो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आज, r बाई आर इज इक्वल रूट 3 बाई 2, ठीक है, ये तो रेडियस का रेशियो आ गया, रेशियो दे वॉल्यूम, वॉल्यूम बिगर वॉल्यूम स्मॉलर या हेमिस्फीयर, अच्छा 4 बाई 3 तो कट जाएगा, r क्यूब बाई स्मॉल आर, अच्छा एक सेकेंड 2 आएगा यहां पर, ठीक है ना, वो 2 बाई 3 होगा, ऊपर वाला 4 बाई 3 होगा, अच्छा आर क्यूब 6 रूट 3 बाई इसका आर क्यूब करो 8, आंसर हो गया 3 रूट 3 बाई 4, उल्टा दिया हुआ ना, ये ए ऑप्शन। अ हेमिस्फीयर बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 कंटेन्स अ लिक्विड, दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल्स ऑफ डायमीटर 3 एंड हाइट 4, नंबर ऑफ बॉटल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बॉटल क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज 2 बाई 3 पाई 9 बाई 2 का क्यूब, ठीक है, अपॉन जो हमने भरना है वो डायमीटर उसका 3 है और हाइट 4 है, तो पाई 3 बाई 2 का क्यूब नहीं स्क्वायर इंटू 4, पाई कैंसिल हो गया,
बल्कि सॉल्व करो 729 अपॉन 8 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4, ठीक है, ये 9 से कितनी बार जाएगा, अच्छा सॉरी यहां पर 9 ही होगा, तो ये 8 नहीं आएगा, बस बाकी सब सही है ना, रेडियस जेवन से डायमीटर ले रहा था। अब क्या बचा हमारे पास, अच्छा 81 इंटू 2 बचा 162, कुछ और कमी रह गई क्या, अच्छा 3 रह गया ना 54, डी आंसर आप लोगों का, हाँ वो 3 रह गया था नहीं चला ये। द सर्फेस एरिया ऑफ द फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अनदर स्फीयर। तो मान लो कि ये फर्स्ट स्फीयर की बात करते हैं और इधर सेकंड स्फीयर की बात करते हैं, नाउ मान लेते हैं डायमीटर ऑफ स्फीयर इज ट्वाइस, मान लेते हैं इसकी रेडियस, इसका डायमीटर 2r1, तो ये कितना होगा 4r1, रेडियस ले ली मैंने पहले इस तरह से। द सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर, अब ये बड़ी काम की बात है, यहां से वैल्यू आएगी रेडियस की। नाउ सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4 पाई इंटू 16 आर वन स्क्वायर, ये तो होगा इज इक्वल इक्वल टू द, यहां पर ये डायमीटर थी ना, ठीक है, अगर इसकी रेडियस, ये तो डायमीटर हुई यार, रेडियस हो गई 2r1 और ये r1, इसको कंसीडर करते हैं, सरफेस एरिया 4 पाई इंटू 4r1 स्क्वायर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर, इसकी रेडियस r1 है 4 बाई 3 पाई r1 क्यूब, पाई कैंसिल हुआ r1 स्क्वायर से, ये कैंसिल हुआ 4 से 4, तो r1 कितना आ गया 12, पहले वाले की त्रिज्या 24, द हाइट एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4 and 8 pi। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो हाइट दे रखी है 4, टोटल सर्फेस एरिया दिया है 8 pi, तो हम जानते हैं 8 pi क्या होता है 2 pi r into 4 plus 2 pi r square, ये तो करेंगे, एक पाई कैंसिल कर दो और एक 2 भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 4 हो गया, दिस इज आर स्क्वायर प्लस 4 r इज इक्वल 4, हमको पूछा गया, अच्छा r पूछा हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पर एक समस्या ये होगी कि अगर आप रूट के लिए, ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल रूट रखने पे इक्वल में 4 नहीं आएगा, अगर हम 2 रखते हैं तो भी नहीं हो सकता, आंसर इन दोनों में से कोई है, ठीक है ना, समझ लो बात। अब कैसे पता करें कौन सा आंसर है, तो क्वाड्रेटिक बना लें या तो ऑप्शन पुट कर लें, हमें लगता है क्वाड्रेटिक बनाना आसान रहेगा यहां पर क्योंकि सीधा चार लगा के जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उससे भी लंबा जा रहा है क्वेश्चन आंसर पुट करने से, दो तो नहीं हो सकते, ए और सी और डी तो नहीं हो सकते, मैंने पुट करके देख लिया सी और डी नहीं आ रहे हैं, बचा मेरे पास दो ऑप्शन ए या बी, यहां पर अब आपका जजमेंट होगा कि हम ऑप्शन से पुट करें या क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है अगर आपको सी जरा चार आता है, आप सबको आता है ना, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 प्लस 16 अपॉन 2, अच्छा यहां प्लस हम कैंसिल कर देंगे, सॉरी माइनस कैंसिल कर देंगे, दोनों माइनस होने पे नेगेटिव आएगी रेडियस जो कि पॉसिबल नहीं है, तो बचा मेरे पास क्या माइनस 4 प्लस 4 रूट 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2, कौन सा आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है ना, तो यहां पर इक्वेशन सॉल्व करना आसान रहा। साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग राइट एंगल आर 20 and 15, इफ दिस ट्राइंगल रिवॉल्व, देखो मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, इफ दिस ट्राइंगल रिवॉल्व अलॉन्ग इट्स हाइपोटेन्यूज देन फाइंड द वॉल्यूम, देखो यार अगर मैं हाइपोटेन्यूज का अलॉन्ग रोल करता हूं इसको, आपको समझना ही होगा कि एक साइड है 20 एक 15, तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये है 5 into 4, ये वैल्यू है 5 into 3, तो दोनों में कॉमन क्या है 5 5, अगर हम 5 5 को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो बचता है 3 4, और 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है 5, और मैंने जो नेग्लेक्ट किया था 5 उसको फिर लिख दो यहां पर, तो इसकी साइड होगी 25, मतलब हाइपोटेन्यूज की साइड 25। अगला स्टेप क्या होगा, हम यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि जब ये मूव करेगा ये कोई ऐसी फिगर बनेगी, एक बनेगा कोण ऊपर एक नीचे बनेगा कोण, ठीक है, हमको समझना क्या होगा, हमें पूछा है वॉल्यूम, तो मैंने बताया था आपको लॉजिक, अगर ये रेडियस है r1, दोनों की r होगी और ये होगी h1 हाइट, ये होगी h2 हाइट,
तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अपर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वन प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टू एच वन सॉरी ये आर वन होगा ये एच टू होगा, रेडियो तो सेम रहेगी ऊपर चले कोन की। अब यहां से 1/3 पाई कॉमन ले लो और आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एच वन प्लस एच टू, तो एच वन प्लस एच टू कितना आ चुका है 25। अच्छा पाई कितना उसमें हमारा आंसर है ही, तो हमें इसको कंसीडर नहीं करना, 25/3 इंटू आर, तो फाइनली हमको आर निकालना है बस, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। अब आर का मैंने आपको लॉजिक बताया था, अगर ये आर है तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 20 × 15 इज इक्वल आर इंटू 25, याद आया कुछ, 5 × 5 = 5 × 3 = 5 × 4 = तो आर हो गया 12, तो दिस इज 25/3 × 144, तो 25 × 48 कितना होगा 1200, और पाई साथ में था, एक आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन। तो इस तरह सोचना है आपको चीजों को, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता कभी भी, आपको ध्यान रखना है हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप एच वन एच टू ना निकाले अलग अलग, टाइम वेस्ट होगा उसमें, निकल जाएगा ज्योमेट्री में जब पूछा जाएगा तो हम निकालेंगे भी इसको, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं। यहां पर मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आया, अभी बता देता हूं आप लोगों को, एक हमारे पास स्क्वायर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आने लगेगा एग्जाम में आपके, वी हैव ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, हमने इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर मैंने सर्किल के अंदर एक स्क्वायर और ड्रॉ किया ऐसे, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और ये शेडेड, ऑप्शन ले देता हूं 16, 8, 32, 24, ठीक है, ये आपका अभी क्लास के बीच का क्लास वर्क है, जिसको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आगे तो आसान लग रहा है ना, तो ये करना शुरू कर दे, और ये बहुत मजा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते कितने लोग समझ पाते हैं इस क्वेश्चन का, वो इमेजिनेशन चाहिए, कौन इतना इमेजिन कर पाता है। सबने डायग्राम नोट कर लिया, आपको शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, हटा दूं, ऑप्शन नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब हम आते हैं मेल्टिंग इन वाटर लेवल, तो जरा वाटर लेवल समझ लो, वॉटर लेवल राइज और फॉल, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, वॉटर लेवल राइज होना या फॉल होना एक ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डालते हैं, मान लेते हैं एक सिलेंड्रिकल फिगर है, इसमें आपने कुछ पानी भरा हुआ है और इसमें आपने एक स्फीयर डाल दिया या क्यूब डाल दिया, कोई ईंट डाल दी, क्यूबॉइड डाल दिया, ड्यू टू विच द लेवल ऑफ वॉटर विल राइज, इसके कारण पानी का तल बढ़ेगा, और अगर मैं इसमें से इसको निकाल दूं तो उतना ही पानी डाउन होगा, जानते बात, तो वाटर लेवल राइज और वाटर लेवल डाउन दोनों एक ही बात होती है, पानी का चढ़ना पानी का उतरना एक ही बात है। तो यहां पर अगर मान लेते हैं ये हाइट h है, देखो बच्चे आंसर देने लग गए हैं अब, हाँ अभी देखते हैं, 56 भी आ गया तो साथ तू कितने आंसर देगा बेटा, अब क्वेश्चन कौन सा समझ लो, अभी आंसर मत दो, फिर एक साथ पूछूंगा क्या आंसर आया, ठीक है अभी मत डिस्कस करो। अगर हाइट ऑफ लेवल वाटर राइज इज एच, देन इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, देखो ये जो वॉल्यूम आपका लेवल राइज हुआ है, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, जो हमने वॉल्यूम डाला है, और अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो ये फिगर क्या है, इसका बेस क्या है, इसका बेस वही है जो कंटेनर का बेस है। अब वो कंटेनर अगर सिलेंडर तो सिलेंडर होगा, वो कंटेनर रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह का तो उस तरह का होगा, तो कंटेनर जैसा होगा आधार वही हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ वॉटर राइज और फॉल इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, पानी बढ़ता ही केवल जो आपने ऑब्जेक्ट डुबाया उसके कारण,
अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, तो जिस बर्तन में रखा गया है उसका तो लेंगे बेस, और हाइट होगी जो पानी बढ़ा है, तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया बेस इंटू हाइट जो राइज हुई है या फॉल हुई है इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एच इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, कई सारे ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इमर्ज अपॉन एरिया ऑफ बेस। तो ये आपको ध्यान रखना फॉर्मूला, यही हाइट का फॉर्मूला आएगा फॉल में, यही आएगा राइज में, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट डाला उसका वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ बेस, दिस इज हाइट, यूनिट ध्यान रखना। कभी भी इसमें पूरा सॉल्व नहीं किया जाता, अपने आप कट जाता है, पाई वाई सब कटेगा, तो आखिरी में काटा करो सब कुछ। अ लार्ज सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड माउंटेड टू फॉर्म आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स विद द बेस रेडियस एंड हेमिस। देखो एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आप मेल्टिंग या वाटर लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो कैलकुलेशन सबसे आखिरी में करनी चाहिए, कभी पूरा मत काटो, क्योंकि डिवीजन होता है इसमें कुछ ना कुछ कट जाएगा, तो हमें ध्यान रखना कैलकुलेशन सबसे आखिरी में करनी है, बस वैल्यू को लिख लो एक जगह जहां पर रखना है। अ लार्ज सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड माउंटेड टू फॉर्म आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स विद बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा यहां पर हाइट भी रेडियस के बराबर ध्यान रखना। वन ऑफ दीज कोन्स इज मेल्टेड एंड मोल्डेड टू फॉर्म ए स्मॉलर सॉलिड स्फीयर, द रेशियो द लार्जेस्ट सर्फेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द सर्फेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर। अ लार्ज सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड माउंटेड टू फॉर्म आइडेंटिकल राइट सर्कुलर, पहले देखो कितने कोन बन रहे हैं, तो 4/3πr³ इज इक्वल एन इंटू 1/3πr² इंटू आर, बोला रेडियस हाइट बराबर है, कितने कोन बनेंगे, चार कोन बनेंगे, ठीक है भाई समझो बात। हमने क्या किया, एक स्फीयर को मेल्ट करा और इससे हमने चार ऐसे कोन बना दिए, कुछ ज्यादा छोटे लग रहे हैं, लॉजिक समझ लेना आप लोग, है ना। अब क्या बोला, इस एक कोन को, वन ऑफ दीज कोन इज मेल्टेड एंड मोल्डेड टू फॉर्म ए स्मॉलर सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब क्या है, हाँ स्मॉलर सॉलिड स्फीयर। अब इससे ये जो रेडियस आ गई, इसकी रेडियस कितनी आएगी, आर ही तो रेडियस होगी इस कोन की, भाई आर रेडियस आर हाइट, तो अब हम देखेंगे इसका वॉल्यूम हो गया 1/3πr² इंटू आर इज इक्वल, मान लो जो स्फीयर बना उसकी रेडियस कैपिटल आर है, 4/3πR³, ये पाई कट गया 3 कट गया, तो आर क्यूब कितना हो गया, आर क्यूब बाई 4, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, r बाई क्यूब रूट ऑफ 2, यही तो हो गया भाई क्यूब रूट ऑफ 2। अब समझो क्या करना है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ लार्जर, ध्यान समझना इस स्टेप को, इस लार्जर का क्या होगा 4πr² और इसका होगा 4πR², ये तो होगा। अब ये तो आर स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2^2/3, कुछ समझे मैंने क्या बोला, आंसर क्या हो गया 1/2^2/3, सॉरी हां 4 है यार, ये 4 होगा, तो यहां पे 4^2/3 है, 2^4/3, 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब वैल्यू पुट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेटेलिक हेमिस्फेयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ अ कोन विद द मेटेलिक हेमिस्फेयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन शेप ऑफ अ कोन विद द सेम बेस रेडियस। नहीं भाई विजय में प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर क्लास चलती है और बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। एक स्फेयर को मेल्ट करके हमने एक सेम रेडियस का एक कोन बना दिया ऐसे करके, ठीक है, तो अगर ये रेडियस r है तो दिस इज ऑल्सो r। अच्छा अब मेटलिक हेमिस्फीयर मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ ए कोन विद द सेम बेस द इफ h बी द हाइट ऑफ द कोन, देन आसान क्वेश्चन है, तो देखो इसका वॉल्यूम 2/3πr³, इसका वॉल्यूम 1/3πr² इंटू h, ये पाई कैंसिल हुआ 3 कैंसिल हुआ, सो एक आर स्क्वायर से ये भी कैंसिल कर दो, तो 2r इज इक्वल h, ए ऑप्शन, ठीक है।
A copper rod of 1 centimeter diameter and 8 centimeter long is formed into a wire of uniform diameter whose length is 18. The radius. देखो, copper rod है 1 centimeter diameter and 8 centimeter long. तो इसका volume हो गया pi 1 by 2. So 1 by 4 into height h. This is melted to form a uniform diameter. इसका मतलब ये भी एक क्या बना है? सिलेंडर बना है. भाई हमने melt करके wire बनाया तो सिलेंडर है वो भी. Uniform diameter whose length is 18. मान ले तो radius r है. अच्छा यूनिट देख लो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये मीटर है, 1800 कर लो इसको, ठीक है. सो ये हो गया दो, तो आर स्क्वायर बराबर 1/900, आर बराबर 1/30, बी ऑप्शन. एक मिनट एक मिनट, वन बाई हमें पूछा डायमीटर, अच्छा रेडियस पूछा, यस बी ऑप्शन, रेडियस पूछा तो 1/30 आ गया. Marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into cylindrical beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 7 centimeter. Find how many marbles have been dropped in it if the water rises by. देखो 5.6 centimeter. सब कुछ सेंटीमीटर है ना, क्वेश्चन आसान है. तो हमने आपको बताया था n into volume of marble is equal volume of water ice. ये लॉजिक याद रखना आपको. एक्चुअली जितने मार्बल डाले गए, एक मार्बल का वॉल्यूम इंटू एन मार्बल, इससे आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर आइज आएगा. आपको एन पूछा हुआ है. अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर आइज कितना राइज हुआ, 5.6. वॉल्यूम के लिए रेडियस मार्बल, ये है रेडियस ऑफ बीकर, डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 हो गई. पाई इंटू रेडियस 3.5 स्क्वायर, ऐसे कर लो इसको आप, और इंटू 5.6 इज इक्वल एन. वॉल्यूम ऑफ मार्बल स्फीयर है ना, डायमीटर 1.4, तो 4 बाई 3 पाई 0.7 क्यूब. अब आंसर कैसे जा रहे हैं, यहां से निकाल लेंगे हम. पाई से पाई कैंसिल हुआ, एन चाहिए हमको. डेसिमल 3 है, 3 डेसिमल बुक कैंसिल कर दो, 7 सारा कट जाएगा. ये 5 इंटू 5 इंटू 8, ये 4 से 2 बार कटा, 150 आ गया. आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना. सिलेंडर विद बेस रेडियस 8 एंड हाइट 2 सेंटीमीटर मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द कोन विल बी. देखो यार आसान सा क्वेश्चन है, सिलेंडर देखो 2015 में आया हुआ भी है, तो आपको बस जल्दी जल्दी काम करना है. सिलेंडर विद बेस रेडियस 8 पाई इंटू 8 स्क्वायर इंटू हाइट 2 इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 6, ये 2 टाइम्स आएगा. रेडियस कितनी होगी, 8, बी ऑप्शन. द रेडियस ऑफ टू सॉलिड आयरन स्फीयर्स आर 1 and 6. अ हॉलो स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग द टू स्फीयर्स इफ द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर इज 9, देन इज थिकनेस. द रेडियस ऑफ टू सॉलिड आयरन, देखो दो आयरन को मेल्ट करके आयरन स्फीयर्स को 4/3 पाई 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब, इसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, एक हॉलो सिलेंडर बनाया जिसकी एक्सटर्नल रेडियस है 9, 9 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये तो करना है हमको, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 37. तो एक्स क्यूब इज इक्वल 9 क्यूब, 729 माइनस 37 कितना आएगा, हाँ सॉरी 217, हाँ मैंने स्क्वायर ले लिया था, माइनस करो, हाँ. और ये किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब, एक्स इज इक्वल 8 आ गया. इंटरनल रेडियस 8, एक्सटर्नल 9, थिकनेस कितनी हो गई, आंसर क्या हो गया इसका, 1. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड 4 स्फीयर ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर मेड, द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल 4 × 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, हमें आर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर निकालना है. 4/3 कैंसिल हो गया, यहां बचेगा 2, तो ये हो गया आर क्यूब इज इक्वल 8 कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना. तो आर स्मॉल इज इक्वल 2 आर, तो आर इज इक्वल 1/2 ऑफ आर. तो जो नया स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस पहले स्फीयर की रेडियस की 1/2 होगी, सी ऑप्शन.
A rectangular tank of size 100 meter by 44 meter is filled by a pipe of radius 7 centimeter speed. अब ये ध्यान देना, नया चीज आ गई आप लोगों के लिए, फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी आप फिल कर रहे हो तो जिस पाइप से फिल कर रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सर्कुलर है तो जब पानी गिरेगा इससे, माना ऐसे पानी गिर रहा है, तो ये बनेगा क्या, एक सिलेंडर बनेगा। पानी जो गिरेगा, अगर उस पानी को फ्रीज कर दूंगा तो अगर ये क्रॉस सेक्शन सर्कल है तो ये फिगर क्या बनेगी, सिलेंडर। और अगर ये क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, माना कुछ ऐसा पानी है, माना ऐसा है, तो जब ये पानी गिरेगा तो स्क्वायर होने पर क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। समझे बात। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर यह आने वाला है, पाइप जिसमें कि पाइप का माउथ सर्कुलर है, तो आपको समझना क्या है, जो ये स्पीड होती है ये हाइट होती है। अब कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज निकालना है, क्या क्या करना है। अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 100 मीटर बाई 44, तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी साइज है 100 मीटर बाई 44 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। और जो ये आपका ये पाइप है इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, सर्कुलर है। तो जैसे पानी गिरेगा वो सिलेंड्रिकल होगा, ये ध्यान रखना। और जो पानी गिर रहा है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज अप टू 14 सेंटीमीटर। और आपको जो पानी का लेवल बोला है 14 सेंटीमीटर, तो आपको समझना पड़ेगा ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो पहले इसको सेंटीमीटर बनाओ। समझे भाई, गलती नहीं करना, ये सब सेंटीमीटर बना दिया मैंने। तो मुझे पानी भरना है इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम भरना है, एल इंटू बी इंटू एच। अब ये वॉल्यूम आएगा कहां से, एक घंटे में 1 आवर हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ, ये निकालना इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान हो जाएगा। कितना है, 5 किलोमीटर। जब मैं बोलता हूं स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब यह कि एक घंटे में पानी 5 किलोमीटर चलेगा, हाइट हो गई उसकी। और हमारा जो क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, आंसर दिए आर्स में, तो इसको आर्स ही लेंगे हम एक घंटे लेके चलेंगे, एक घंटे में इतना पानी आ रहा है। अब ये किलोमीटर बना लो सेंटीमीटर, 5 × 10⁵ सेंटीमीटर, इसका मतलब एक घंटे में पानी की इतनी हाइट आ गई। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन 1 आवर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इंटू 49 × 5 × 10⁵। एक घंटे में पानी इतना आया और पानी चाहिए इतना, तो टाइम पूछा हुआ ना, टाइम इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 4400 × 10,000 × 14/π 22/7। अब रख लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी 49 × 5 × 10⁵। अब देखो जरा, ये 7 से 7 टाइम कटेगा, 10⁵, 4 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, है ना, 22 से 2 बार जाएगा, 7 से 2 बार जाएगा, तो कितना बचा, 40। अरे 5 भी तो हमारे पास, 8 घंटे, सी ऑप्शन, क्या जरा तुम लोगों का, 8 आवर्स। समझे बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कंटेनर में ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका पहले तो क्रॉस सेक्शन कैसा है, वो सर्कुलर है तो सिलेंडर बनेगा, वो अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो आपका क्यूबॉइड बनेगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अभी आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे ऐसे। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 and 6.75 and 5.25 आर रेस्पेक्टली। इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, देन द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, देखो कुछ नहीं करना, मैं थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। हाइट 15 है, 6.75 एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल रेडियस है ना ये, हाँ रेडियाई 6.75 और ये है 5.25। इसको मेल्ट किया, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर देन द रेडियस। आसान सा क्वेश्चन है, पाई 6.75² - 5.25² × h 5 15, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट 7.5, ये तो बोला मैं। अब सुनो जरा, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो a प्लस बी और a माइनस बी लगाओ, ये a प्लस बी करोगे तो 12 हो जाएगा, पाई काट दो, और माइनस करोगे तो कितना होगा 1.5, और ये हो जाएगा कितना, 2 बार जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, ये हो गया 18,
हाँ दो मल्टीप्लाई में भी है 36। हाँ वो अंडर रूट में नहीं आता, मुझे देख रहा था कुछ प्रॉब्लम हुई, 6 इज द आंसर। ठीक है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पार्शली फिल्ड विद वॉटर, टू आयरन स्फेरिकल बॉल्स आर कंप्लीटली इमर्ज इन द वॉटर सो दैट द हाइट ऑफ द वॉटर इन द सिलेंडर राइजेस बाई 4 सेंटीमीटर। If the radius of one ball is half of the other and the diameter of the cylinder is 18 centimeter, then the radius of the spherical ball. देखो यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर समझना ही होगा कि जो वॉटर लेवल राइज हुआ है वो कितना हुआ है 4 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है ना क्वेश्चन में, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ राइज वॉटर पाई 9 स्क्वायर इंटू 4, इतना तो पानी बढ़ा है। और ये क्यों बढ़ा है, राइज सर्विस सिलेंडर पार्टली विद वॉटर टू आयरन स्फेरिकल बॉल्स, तो एक बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। यहां बोला हुआ है इफ द रेडियस ऑफ वन बॉल इज हाफ ऑफ द अदर, तो मान लेते हैं एक की रेडियस आर है दूसरे की 4/3 पाई, इसको डबल 2r कर लो तो यहां पर 8r³ हो जाएगा। पाई पाई काट दो, एक 4r² भी काट दो, है ना, ये 3 जल लिया हो तो हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 इंटू 3 इज इक्वल r³ + 8r³। दिस इज 9r³ इज इक्वल 81 इंटू 3, तो r कितना हो गया 3। अगर आपका r 3 आगे पूछा गया है देन द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल्स आर, अच्छा 3 और 6 सी ऑप्शन। ठीक है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 21 एंड हाइट 38 इज फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड विद कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 7 हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, नंबर ऑफ सच कोन्स टू बी फिल्ड विद आइसक्रीम। देखो बहुत आसान सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आप बड़ा सा आइसक्रीम कोन लाए हो पाई 21/2 × 21/2 और हाइट है 38, ये है आपका टोटल वॉल्यूम जो बांटना है आपको, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम में क्या क्या है, 1/3 πr² हाइट 12, 7/2 × 7/2 × 12 प्लस 2/3 π 7/2³, ये आपका टोटल वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, तो नंबर इज इक्वल, अगर मैं सीधे हीट डिवाइड को मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप कर देते हैं, एक ये पाई कट जाएगा। ठीक है, अब हमें बचा क्या, अच्छा एक और काम करो ध्यान समझना, मैं 7/2 से कैंसिल कर रहा हूं कितना बचेगा, कुछ समझे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए बचा मेरे पास क्या, 3 × 3 × 38 अपॉन ये हो गया, देखो 3 से 4 times 4 + 7/3 है ना, ये हो गया 3 × 3 × 3 × 38 अपॉन 19 54, ए ऑप्शन। 3 cubes of iron whose edges are 6, 8, and 10 melted and form into a single cube. अच्छा क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, देखो 6 cube + 8 cube + 10 cube इज इक्वल ए क्यूब, जो बड़ा वाला बना है, तो ये कितना हो गया, ये सम कितना होता है, और ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, पहला क्यूब सॉरी। और कई बार आया हुआ क्वेश्चन, ये कई बार आया है इस तरह से क्वेश्चन, तो आपको याद रखना। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, क्यूब का मेल्टिंग हो 3 या स्फेयर का मेल्टिंग हो, सेम रेडियस आएगी उसमें भी, अगर बोला जाएगा ये रेडियस है स्फेयर की, इनको मेल्ट करके बड़ा स्फेयर बनाया गया, तो यही आंसर आएगा, क्योंकि 4/3 सब में कॉमन होकर जाएगा, r³ + r² + r³³ = r³, तो बात वही आएगी। The radius of sphere is 6. It is melted and drawn into a wire of radius 0.2. The length of the... आसान क्वेश्चन है, 4/3 π 6³ is equal π 0.2 × 0.2 × h. हमको h पूछा हुआ है, अच्छा यूनिट का ध्यान ले लेते हैं, अच्छा सेंटीमीटर में आएगा आंसर, मीटर में चाहिए, चलो हो जाएगा, तो 4 × 216 / 3 × 0.2 × 0.2 × 100 करके यहां से डालोगे 0। अच्छा ये 100 हटा के मैं उसको मीटर कर रहा हूं सीधे,
मीटर में डिवाइड करना पड़ेगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा 6 से 36 72, डी ऑप्शन 110।